हेलो स्टूडेंट, आई एम सीमा। इस वीडियो में आपको ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री से 20 to 36 मार्क्स का पूछा जाता है। सो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्ड फ्रैंकलिन वाज फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री। जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। सो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आया कि हमसे पूछ लिया ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री का फादर कौन है, बट इन जनरल हमें पता होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की। सो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में देयर विल बी एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड इन जनरल। तो इन जनरल एक मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में, देन वी कैन से दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बट क्या ऑलवेज? नहीं। अब हम बात करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट की। तो हमने बहुत सुना है विल्किंसन कैटलिस्ट, बीएससी में भी एमएससी में भी आपने पढ़ा होगा विल्किंसन कैटलिस्ट की ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, बट इसमें कोई मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, बट उसके मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट ना होते हुए भी ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहलाता है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गया, बट इन जनरल ये पाया गया है कि एक मेटल कार्बन बॉन्ड तो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनोमेटलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें। विल्किंसन कैटलिस्ट का हमें पता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन में यूज होता है। सो इसका ये पता होना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो है नेट में आ भी जाता है। सो अब हम बात करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, हैव नो मेटल कार्बन बॉन्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं NaCN हैव मेटल कार्बन बॉन्ड बट दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सो यही बात मैंने बोली थी कि इन जनरल हम बोल देते हैं कि वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में, बट ये जरूरी नहीं है कि जहां पर भी मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पर वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा, अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। सो अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, जो मेन रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में। सो हम बात करते हैं लिगेंड्स के। लिगेंड्स आर थ्री टाइप्स। सो पहले हम बात करते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स आर थ्री टाइप्स, लॉन पेयर डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स, सिग्मा डोनर लिगेंड्स। सो जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो लिगेंड्स पाए जाते हैं वो पाई, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट करते हैं तो उन्हें हम लॉन पेयर डोनर बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। कुछ जो होते हैं लिगेंड्स होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट करते हैं, कुछ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डोनेट करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड है या जो हमारा लिगेंड है कंपाउंड में, जो लिगेंड प्रेजेंट है उसके पास लॉन पेयर भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कुछ कुछ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, देन हम क्या बोलेंगे कि पहले वो कौन सा जो अपना होता है पेयर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सिग्मा डोनर होते हैं, वो कौन से अपना डोनेट करेंगे। सो लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले डोनेट करेगा, देन उसके बाद हम बात करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स की, देन उसके बाद हम करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। सो ये एक ऑर्डर है। देन अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग किस तरह की होती है? सो देयर इज नो फिक्स टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में कोई फिक्स टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है। बॉन्डिंग में भी आयनिक, कोवेलेंट, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो लोकलाइज और डीलोकलाइज भी हो सकती है। लोकलाइज से मतलब होता है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है लोकलाइज जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है और डीलोकलाइज बॉन्डिंग कौन सी होती है। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स तो हमने वो डिवाइड किए हुए हैं थ्री पार्ट्स में। जैसे कि हम बात करें मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें मेन ग्रुप एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ऑब्वियस वेल नोन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, या फिर हम बात करें BuLi की, या फिर हम जिंजर नाटर कैटलिस्ट की बात करें, या फिर Cp2Be एक्सेट्रा। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो होते हैं इन्हें मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, बिकॉज इनमें जो लिगेंड, जो हमारा मेटल प्रेजेंट है वो मेन ग्रुप एलिमेंट है। इसके
उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम बात करते हैं जिलमन रिएजेंट की। तो जिलमन रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वैसे भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके जो ऑर्गेनिक में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चंस आ जाते हैं जिलमन रिएजेंट से, सो जब मैं आपको रिएजेंट्स कराऊंगी तो उसमें जिलमन रिएजेंट भी कराऊंगी। अभी हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे पहले। सो जिलमन रिएजेंट जो कि R2CuLi है, FeCP2 जिसकी हम बात यहां पर है, FeCO5, RHPPH3 होल थ्राइसीएल जो विल्किंसन कैटलिस्ट की अभी हमने पहले बात की थी। तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आता है। देन अब बात करते हैं हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। सो कुछ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पर जो ये लिगेंड्स है C8H8 2-, ये यूरोसीन के साथ अपना जो यूरेनोसीन बनाता है। इसके अलावा हमारे और भी एलिमेंट्स हैं जो यूज होते हैं। ये क्वेश्चन नेट में एक बार पूछा गया है कि यूरेनोसीन दे दिया है, उसमें पूछा गया था इसमें लिगेंड कौन सा है। सो इसमें लिगेंड है C8H8 2-। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। सो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालें? वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये काफी सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। C=M+L। सो सी का यहाँ पर है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, L=formal charge ऑफ द लिगेंड और M=metal है जिसपे हमने फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर जी सॉल्ट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कि इसमें जो पीटी है, प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सो वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में रख के वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं। सो चार्जेस पे जो है, क्योंकि पहले में पोटेशियम लिया हुआ है, या फिर इसको हम माइनस भी लिख सकते हैं, तो जो चार्ज हो है वो -1 है, मेटल को हमने एक्स रख दिया है। देन उसके बाद हम लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज हमें पता होना चाहिए। मैं आगे जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगी तो आपको कुछ फॉर्मल चार्ज बता भी दूंगी, और देन आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उनमें जो बाकी के जो फॉर्मल चार्ज है वो भी आपको बता दूंगा। और जैसे जैसे आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ते चले जाओगे आपको कोई रटने की जरूरत नहीं होगी, जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये अपना भी लर्न होते चले जाए। सो पता होना चाहिए। तो जो सीएल है हेलोजन्स होते हैं उनपे -1 होता है। यहाँ पर हमें जो दूसरा अदर जो लिगेंड है वो एल्कीन है। एल्कीन जो है ईटर-2 मोड में है, तो जो हेप्टासिटी है वो इसकी 2 है, ईटर-2। तो हेप्टासिटी जो वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो हेप्टासिटी इसमें 2 है, तो ईटर-2 जो एल्कीन होती है वो न्यूट्रल होता है, उसका जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है। सो इसमें हमने सिर्फ जो हेलोजन है उसका -3 लिख दिया है, क्योंकि 3 हेलोजन है इसमें, 3 क्लोरीन है। सो जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाती है। सो इसमें जो पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल से भी एक बार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट लिया है, तो जो यहाँ पर PPH3 है होल थ्राइज है, तो इसकी जो फॉर्मल चार्ज होता है PPH3 का जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है, मैंने अभी आपको बताया हेलोजन का जो होता है -1 होता है। सो यहाँ पर हम अगर फॉर्मल चार्ज ओवरऑल जो चार्ज की हम बात करते हैं तो वो 0 है, तो हमने वो C=0 लिख दिया है। M=x लिख दिया क्योंकि हमें M की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। और यहाँ पर हम लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर जो लिगेंड है PPH3 होल थ्राइज, तो ये तीनों की वैल्यू तो 0 ही आएगी क्योंकि PPH3 का जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है। और अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का -1 होता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो X=+1 आ जाता है। तो हमने यहाँ पर RH की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी है, तो RH की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आप पोज करके देख लीजिए, इन एग्जाम्पल को आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या निकलती है। बिकॉज अगर हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो चीज़ हमें समझ में आई है या नहीं आई। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने, कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हैं, तो आप ट्राई कीजिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कि आप इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। और अब अभी जो है मैं आपको कुछ फॉर्मल चार्जेस बता देती हूँ कि कंपाउंड्स के क्या क्या फॉर्मल चार्ज होते हैं जिनको आप रख के इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मल चार्ज मैं बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सभी फॉर्मल चार्ज ऊपर जो मैंने आपको कुछ वो दिए हैं, कंपाउंड्स दिए हैं, उनमें सारे यूज हो जाएंगे। आगे
आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जब आप पढ़ोगे, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, तो उसमें काफी यूजफुल होगा ये, आगे आपको काफी यूज आएंगे इनका। ये ही नहीं है, इनके अलावा भी और कुछ है जिनके कंपाउंड्स हैं जिनके आपको फॉर्मल चार्ज याद करने होंगे। कोई याद करने का ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल रटने होंगे, ये अपना आप ही, जैसे आप जैसे जैसे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अपना आप ही लर्न होते चले जाएंगे। सो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मेटल से जो बॉन्ड बना हुआ है सीओ का, तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, सीपी का -1 होता है, PbS3 का मैंने आपको बताया है 0 होता है, Nr3 का 0 होता है, Nr2 का -1 होता है, CH3, इसके अलावा कोई भी R ग्रुप है लगा हुआ है तो उसका -1 होता है, एल्किल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो -1 होता है, M के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसका -1 होता है, हेलोजन का मैंने आपको बताया है -1 होता है, ईटा 2 एल्कीन का जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि 0 होता है, ईटा 2 एल्काइन का भी 0 होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नेट में पूछे गए हैं। NO, तो NO का अगर बेंट में दिया हुआ है तो -1 है, लेकिन अगर NO लीनियर है तो इसका +1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद होना चाहिए कि बेंट का क्या होता है, लीनियर का क्या होता है। अगर लीनियर या बेंट जो होता है वो उसमें दिया होता है, तो अगर सिंपल दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको लीनियर ही कंसीडर करते हैं, बट अगर उसमें बी लिखा हुआ है या बेंट लिखा हुआ है तो तब हम उसको बेंट कंसीडर करेंगे। अगर नॉर्मल दिया हुआ है, नहीं बताया हुआ कि लीनियर है या बेंट है, तो हम उसको लीनियर ही कंसीडर करते हैं। सो जो NO होता है वो बेंट होता है तो -1 होता है, अगर NO लीनियर है तो +1 होता है। अब हम बात करते हैं कार्बिन की, कार्बिन का -2 होता है और कार्बाइन का -3 होता है। अगर हम बात करें MR, जो कोई भी एल्किल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो -1 होता है, और एरोमेटिक अगर कुछ लगा हुआ है तो उसका -1 होता है। इसके अलावा भी कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मल चार्ज आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।